हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, माय नेम इज शांभवी। होप यू ऑल आर डूइंग सो। हम लोग पॉलिटिक्स से चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे थे एंड दैट इज फ्रॉम क्लास 6। द नेम फॉर द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, राइट। इस चैप्टर को हम लोग स्टडी कर रहे थे तो मैं फर्दर इस चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी। ओके, हम लोग ने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया था इस टॉपिक को, दैट इज व्हाई डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स, राइट। इस टॉपिक को हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। वापस से इसको बता देती हूँ कि जैसे कि समीर एक और समीर दो थे, वो अपने आप वो फ्रेंड्स बन गए थे, राइट। तो मे बी आपके भी फ्रेंड्स होंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते होंगे। प्रोबेबली आपने उनकी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड होता है उनके घर में उसको खाया होगा, उनके साथ जो उनके डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं उनके साथ सेलिब्रेट करे होंगे, जिस टाइप के क्लोथ्स वो पहनते हैं उनको ट्राई आउट किया होगा, कुछ लैंग्वेज भी आजकल आपने उनकी लर्न करी हो, राइट। तो यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन घोस्ट। अब प्रोबेबली आपको स्टोरीज को सुनना या स्टोरीज को पढ़ना अच्छा लगता होगा, जैसे कि एडवेंचर्स की स्टोरीज एनिमल्स की, या फिर लोगों के बारे में, या फिर भूतों की स्टोरीज। सबको प्रोबेबली आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती होंगी, राइट। परहैप्स यू इवन इंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ। उसके सिवा आप खुद स्टोरीज बनाना भी इंजॉय करते होगे, राइट। मेनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ आइडियाज टू मेक अप मोर स्टोरीज। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत खुशी होती है स्टोरीज, अच्छी स्टोरीज पढ़ के। क्यों? क्योंकि वो स्टोरीज उनको कई सारे नए आइडियाज देती हैं और बहुत सारी स्टोरीज बनाने के। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। अब जो लोग स्टोरीज लिखते हैं और तो उनको जो आइडियाज आते हैं वो कई तरीके से अलग अलग जगहों से उनके पास डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते हैं, जैसे कि फ्रॉम बुक्स, रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन। बुक से, रियल लाइफ से एंड इवन उनकी इमेजिनेशन से उनके पास स्टोरीज लिखने के आइडियाज आते हैं। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स एंड चोजन टू राइट ऑफ द फाइट्स एंड फ्रेंडशिप्स। कुछ ने ये भी चूज किया होगा कि हम फॉरेस्ट के पास रहेंगे, वहाँ पर एनिमल्स के बारे में स्टोरीज लिखेंगे, उनकी लड़ाइयों की, उनके फ्रेंडशिप्स की, इन सब चीज़ों के बारे में स्टोरीज लिखेंगे। अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रोट स्टोरीज। और जो थे उन्होंने फिर कुछ लोग जो हैं वो रियल स्टोरीज पढ़ते हैं किंग्स और क्वींस की और उनके बारे में स्टोरीज लिखते हैं। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। कुछ अपने बचपन की जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं उनके बारे में, स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, जो एडवेंचर्स करें फ्रेंड्स के साथ, उन सारी चीज़ों के बारे में स्टोरीज लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, ओके वन सेकेंड। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स हैड टू हैव हर्ड एंड रेड सो फार, फोर्स टू लिव इन अ प्लेस वेयर ऑल पीपल वोर द सेम टू कलर रेड एंड वाइट, एट द सेम फूड मे बी पोटैटोस, टेक केयर ऑफ द सेम टू एनिमल्स। अब जैसे कि मे बी आपने जितने भी स्टोरीज वगैरह वाले जो पीपल लिखते हैं उन जितने भी स्टोरीज को आपने सुना है, तो जो भी पीपल स्टोरीज लिखते हैं अगर उनको फोर्स करके किसी एक जगह रख दिया जाए, ठीक है, जहाँ पे सारे पीपल एक ही तरीके कपड़े पहनते हैं, रेड और वाइट कलर के ही कपड़े पहनते हैं, सिर्फ सेम खाना खाते हैं, लेट्स से पोटैटो सिर्फ और सिर्फ खाते हैं, सिर्फ दो तरीके के एनिमल्स की केयर करते हैं जो कि हैं लेट्स से डियर और कैट, और खुद के एंटरटेनमेंट के लिए से स्नेक लैडर मतलब सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो किस तरीके की स्टोरीज वो लोग लिख पाएंगे, ये आप सोच करके मुझे कॉमेंट में बताइएगा, ठीक है। डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, विविधता, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज। मैंने आपको वेरी स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में ही, फर्स्ट वीडियो में ही बताया था इसके कि इंडिया जो है, इंडिया एक कंट्री है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट डिफरेंट का कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें अब एक जगह पे होती हैं, तो दैट इज़ अ डाइवर्सिटी, राइट। तो इंडिया एक कंट्री है जैसे बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। अब हम लोग अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में जानते हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट,
वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू इन डिफरेंट वेज. बट अगर आप इस चीज़ को एक बार सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ें आप एक एक तरीके से करते हो जिस तरीके से करते हो वो आप चीज़ों को दूसरे डिफरेंट वे से करने लग जाते हो. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? अब हम लोग डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करते हैं? अ लिटिल मोर दैन 200 ईयर्स अगो और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन्स, बस और कार बिकेम अ पार्ट ऑफ आर लाइफ्स, people traveled from one part of the world to another in ships or horses, on camels or on foot. अब काफ़ी टाइम पहले मतलब अराउंड 200 ईयर्स पहले लोग जो होते थे, जब ट्रेन नहीं आई थी, ट्रेन के भी पहले, ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार्स, इन सब के पहले जो हमारी लाइफ का जो पार्ट था उसमें लोग एक जगह से दूसरे के शिप्स में जाया करते थे, हॉर्सेस पर जाया करते थे, कैमल्स पर जाया करते थे. बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि पैदल एक जगह से दूसरे जगह को जाया करते थे. ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन और फॉर पीपल टू ट्रेड विद. और वो लोग क्या करते थे, वो जाते थे नए जितने भी लैंड्स होते हैं ज़मीनें उनकी सर्च में, नए जो जगहें थी उनमें सेटल होने के लिए. और जो पीपल जो लोग ट्रेड करते मतलब कि जो एक जगह से दूसरे के सामान को ले जाते थे, तो उन लोगों के साथ लोग ट्रैवल करते थे. एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, वंस दे गॉट टू अ प्लेस पीपल स्टेड देयर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम. और अब ये जो ट्रेड वगैरह था या हॉर्सेस वगैरह, इन सब से ट्रैवल करने में समय बहुत ज़्यादा लगता था. तो एक बार लोग अगर एक जगह पे पहुंच जाते थे तो वहाँ पे वो कुछ लंबे समय के लिए वहीं पर रुक जाते थे, फिर आगे अपनी नेक्स्ट जगह के लिए वापस ट्रैवल करना स्टार्ट करते थे. मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर फेमाइंस एंड ड्रॉट एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट. अब कुछ लोग वहाँ से जहाँ भी रहते थे अपना घर वगैरह इसलिए छोड़ देते थे क्योंकि वहाँ पे ड्रॉट मतलब सूखा बहुत होता था, तो जनरली उन्हें खाने के लिए कोई भी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाती थी. इस रीज़न से कुछ लोग अपने घर वगैरह छोड़कर भी दूसरी जगह जाते थे. सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क व्हाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वाज अ वॉर. कुछ लोग होते थे जो काम की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि लड़ाइयों की वजह से उस जगह को छोड़ देते थे. Sometimes as they began to make their homes in new places, people began to change a little and at other times they managed to do things in the old ways. कई बार ऐसा होता था कि जो लोग थे वो अपने जैसे नई जगहों पे अपने घर वगैरह बनाना स्टार्ट करते थे. लोग वहाँ पे थोड़ा सा चेंज होने की कोशिश भी करते थे, चेंज होते थे थोड़ा सा. बट कुछ टाइम में वो ऐसा था कि जो चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी वो उनको पुराने ही तरीके से करके मैनेज करते थे. सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन्स बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू. तो अब जो भी लैंग्वेजेस थी, जो भी खाना था, म्यूजिक, रिलीजन्स, ये सारी की सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी नए और पुराने के. एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट. और जब ये इंटरमिक्सिंग हो गई कल्चर्स वगैरह की, कल्चर्स जितने भी थे वो सब आपस में जब मिक्स हो गए तो वहाँ से आए नए और डिफरेंट कल्चर्स. द हिस्ट्री ऑफ मेनी पीपल्स शो अस हाउ मेनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर. अब जो कई सारी जगहों की जो हिस्ट्री है वो जनरली हम लोग को ये दिखाती है कि जो लोग थे पहले की, उनके जो डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंसेस वगैरह थे, उन्होंने किस तरीके से हेल्प करी लाइफ और कल्चर को वहाँ पर शेप करने में. दस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज. और जो रीजन्स थे वहाँ के वो बहुत डाइवर्स मतलब कि बहुत बढ़ते गए. क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक यूनिक हिस्ट्रीज थी उसकी वजह से. सिमिलरली diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. Diversity और किस तरीके से होती है? Diversity एक और तरीके से होती है जब जो लोग होते हैं उनका जो रहने का तरीका होता है उसको adapt करने से, मतलब जैसे geographical area, मतलब जैसे जैसे area जो है वो बढ़ता जाता है लोगों के रहने का, उस तरीके से लोग अपनी जो भी लाइफ्स वगैरह हैं उसके तरीके को अडाप्ट करते जाते हैं. तो इस तरीके से भी जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है.
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेनियस एरिया। अब आप इसी एक डिफरेंस को ले लो कि अगर आप सी के किनारे रहते हो और अगर आप किसी माउंटेनियस एरिया में रहते हो तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों जगहों पर रहने का, राइट। सी के किनारे जो टेम्परेचर होते हैं बहुत मॉडरेट टेम्परेचर होता है, माउंटेनियस एरिया का टेम्परेचर जो होता है बहुत कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो आप इन्हीं दोनों जगह पर ले लो अगर आप रहोगे तो कितना डिफरेंस हो जाता है दोनों जगह में, राइट। सो नॉट ओनली टू पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स बट इवन द काइंड्स ऑफ नेटवर्क द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। अब सिर्फ यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो सिर्फ यहाँ पे लोगों के कपड़े पहनने के तरीके या उनके खाना खाने की आदतों के पे बेसिस नहीं होती है, जिस तरीके का लोग काम करते हैं काम भी एक दूसरे के काम से डिफरेंट होता है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो लोग काम करते हैं उस पर भी डिपेंड होती हैं बहुत सारी चीज़ें। In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and green. अब cities में तो लोग अपने खुद के vegetables और खुद के greens वगैरह grow नहीं करते, right? ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं सारी की सारी villages में ही होती है। तो instead they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. तो क्या करते हैं वो लोग मार्केट पे डिपेंडेंट होते हैं कि मार्केट से जो भी सामान मिल रहा है, जो भी वेजिटेबल्स या जो भी ग्रेन्स है उनको खरीद लेते हैं और उसी से जो भी अपना फूड वगैरह प्रिपेयर करना होता है वही करते हैं। जनरली आजकल हम लोग भी यही करते हैं, राइट। जो भी मार्केट में सामान अवेलेबल होता है वो सारा खरीद लेते हैं और जो भी प्रिपेरेशन करनी होती है जो फूड के लिए प्रिपेयर करना हो तो उसी से कर लेते हैं, राइट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। तो अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम कहते हैं कि हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से जो रीजन की डाइवर्सिटी है उससे किस तरीके से डिफरेंट है और किस किन फैक्टर्स पर एक्चुअली वो डिपेंड करती है। तो इस चीज़ को हम लोग एक यहाँ पे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोग केरला, जो लोग केरला में रहते हैं और जो लोग लद्दाख में रहते हैं उनकी लाइफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे हम लोग इस रिस्पेक्टिव चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वन सेकेंड, लद्दाख। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख इज एक ऐसा डेजर्ट है जो कि माउंटेन्स में, ठीक है, ये माउंटेन्स में एक डेजर्ट है और ये जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट साइड में है। Very little agriculture is possible here since the region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. अब mountainous area है so obvious सी बात है यहाँ पे agriculture possible नहीं होगा, right? क्योंकि mountainous areas में जो soil होता है वो fertile नहीं होता है, soil fertile नहीं होता है तो यहाँ पे generally आपको एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा। ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी है, मैंने ज्योग्राफी में डिस्कस करी थी इसको क्लास सिक्स के ज्योग्राफी में एंड दैट इज़ इन द चैप्टर नंबर 8, ठीक है। तो अगर आप उसको जाके रेफर करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन है, आप वहाँ पे जाके इस चीज़ का पूरा प्रॉपर रीज़न फाइंड आउट कर सकते हो कि जो एग्रीकल्चर होता है वो माउंटेनियस एरियाज में पॉसिबल क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो लद्दाख में क्या होता है जनरली यहाँ पे कोई भी बारिश नहीं होती है, आधे से ज़्यादा साल जो होता है पूरा का पूरा स्नो से ही कवर अप होता है। सो देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। तो इसी वजह से बहुत ही कम पेड़ होते हैं जो कि यहाँ पर ग्रो कर पाते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। और पानी पीने के लिए लोग गर्मी के महीने में जो स्नो वगैरह मेल्ट करती है उस पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। People here keep sheep and goats. अब लोग यहाँ पे ना sheep और goats रखते हैं। The goats in this region are special because they produce pashmina wool. अब यहाँ पे जो goats होती हैं इस region में वो क्यों special होती हैं? क्योंकि वो pashmina wool को produce करती है, एक तरीके की wool होती है, ऊन होती है एक तरीके की, जिसको goats produce करती। तो इसलिए इस region में goats काफ़ी ज़्यादा special होती हैं। This wool is prized and pashmina shawls cost a lot of money. अब ये जो वूल होती है इसकी भी अच्छी खासी प्राइस होती है और जो पाश्मीना शॉल्स होते हैं उनको भी काफ़ी अच्छे कॉस्ट में, मतलब काफ़ी अच्छी मनी पे उनको भी सेल किया जाता है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। अब यहाँ लद्दाख में जो लोग रहते हैं
वो बहुत ही केयरफुली जितना भी वूल होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं गोट से, और उसको जो कश्मीर के जो ट्रेडर्स होते हैं उनको सेल कर देते हैं, ट्रेडर्स जो एक जगह से सामान दूसरी जगह को पहुंचाते हैं। ठीक है, पाश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर, तो फिर पाश्मीना जो शॉल्स होते हैं उसको कश्मीर में बनाया जाता है। ठीक है, द पीपल ईट मिल्क मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर, यहाँ पे जो लोग होते हैं वो चीज़ एंड बटर और मीट मिल्क सारे प्रोडक्ट्स खाते हैं। ईच फैमिली ओन सम गोट्स काउज एंड याक काउज, अब जो जितनी फैमिलीज होती हैं सबके पास खुद के गोट्स होती हैं, काउज होते हैं और याक काउज होते हैं। बींग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स, अब ये कोई डेजर्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि लद्दाख जो है उसका जो भी शेयर है वो ट्रेडर्स को अट्रैक्ट नहीं करता है। It was considered a good trade route as it has had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. यहाँ पे बहुत सारी ऐसे रास्ता हैं, बहुत अच्छी रास्ते हैं actually, जिससे जो traders होते हैं वो easily pass कर सकते हैं, caravans के through travel भी करते हैं और जिसको आज हम लोग बोलते हैं Tibet. These caravans carried textiles and spices, raw silk or carpets. और जो कारावान्स होते थे ये अपने साथ क्या क्या चीज़ें कैरी करते थे, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, रॉ सिल्क और कारपेट्स। बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख, बुद्धिज्म जो था वो तिब्बत जो पहुंचा वो वाया लद्दाख पहुंचा था। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को एक डिफरेंट नेम से हम लोग जानते हैं, दैट इज नोन एज लिटिल तिब्बत। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर दैन 400 ईयर्स अगो, अब इस्लाम इस रिस्पेक्टिव रीजन में 400 साल से भी ज़्यादा पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। एंड देर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, लद्दाख में एक बहुत ही अच्छा मतलब ट्रेडिशन है, काफ़ी पुराना ट्रेडिशन है, वो है सॉन्ग्स और पोएम्स का। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, तो यहाँ पे क्या होता है एक है यहाँ पे नेशनल एपिक है तिब्बतन नेशनल एपिक, ठीक है, उसका नाम है केसर सागा, तो उसको जो है वो मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट यहाँ पे मिल करके एक साथ गाते हैं। ठीक है, तो केरला जो है, केरला इज अ स्टेट इन द साउथ, अब लद्दाख के बारे में हम लोगों ने सब चीज़ें पढ़ी राइट, अब केरला के बारे में पढ़ेंगे। केरला जो है एक स्टेट है, ये साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर, ये एक साइड से सी से सराउंडेड है और दूसरे साइड से सराउंडेड है हिल्स से। ठीक है, अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कैरेडिमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स, अब यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस जैसे पेपर, क्लोव्स, मतलब जैसे पेपर मतलब वो काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हिल्स पे ग्रो होती हैं। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, अब ये स्पाइसेस ही हैं जिन्होंने इसको एक अट्रैक्टिव प्लेस बना दी है ट्रेडर्स के लिए। जिविश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर, जेविश और अरब के जो ट्रेडर्स थे वो सबसे पहले केरला में आए थे। अब द अपोस्टले ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हियर नियरली 2000 ईयर्स अगो, अब सेंट थॉमस को यहाँ पे अराउंड 2000 ईयर्स पहले आए थे एंड ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, और उनको क्रेडिट दिया गया है क्रिश्चियनिटी इंडिया में लाने के लिए। Many Arab traders also came and settled down here. बहुत सारे अरब के जो traders हैं वो भी यहाँ पर आए और वो यहीं पर settle हो गए। Ibn Battuta, Ibn Battuta who travelled here a little less than 700 years ago wrote a travel log in which he describes the lives of Muslims. अब Ibn Battuta जो कि यहाँ पे काफ़ी कम 700 साल पहले लगभग आए थे, उन्होंने ट्रैवल लॉग लिखा है जिसमें उन्होंने यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनकी लाइफ को डिस्क्राइब किया और उन्होंने कहा दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, वहाँ पे उन्होंने लिखा कि जो मुस्लिम्स थे वो काफ़ी हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थे। द पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डगामा लैंडेड विद हिज शिप हियर,
जो पुर्तगीज थे उन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया था इंडिया टू इंडिया से यूरोप तक का, जब वास्को डी गामा यहाँ पर शिप से आए थे. बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुदाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म. अब इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे जो केरला में जो लोग हैं वो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट उनके रिलीजन्स भी होते हैं. द फिशिंग नेट्स यूज हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चिनवाला. अब यहाँ पे जो फिशिंग के नेट्स यूज होते हैं वो एग्जैक्टली चाइना के जो फिशिंग नेट्स होते हैं एकदम एग्जैक्टली उनके तरीके लगते हैं और उनको बोला जाता है चीना वाला. इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी. और यहाँ पे एक्चुअली जो एक यूटेंसिल जो बर्तन फ्राई करने के लिए यूज होता है उसको भी बोला जाता है चीना चट्टी. एंड इट इज बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना. और ये बिलीव किया जाता है कि जो वर्ड है चीन वो बेसिकली चाइना से ही आया होगा. द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स. यहाँ का जो फर्टाइल लैंड है और क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा ग्रो होता है और मेजॉरिटी में जो पीपल है वो यहाँ पे राइस ही खाते हैं, फिश खाते हैं और वेजिटेबल्स को खाते हैं. ठीक है, ग्रेट. सो यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोगों ने इस चीज़ को कम्प्लीटली यहाँ पर स्टडी आउट किया है. ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो फर्दर चीज़ें हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इस वीडियो का सेकेंड पार्ट यहाँ पे ये समझ में आया होगा, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पे नोट डाउन की होंगी और होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ. टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर. जय हिंद.